हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 13th लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, राइट। ऑलरेडी हमने प्रिज्म पढ़ लिया है, प्रिज्म का प्रिज्म फॉर्मूला देखा है। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म। थिन मींस एक ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा है। याद है हमने पढ़ा था ए मीन्स रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। वो ए का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो उसको हम बोलते हैं थिन प्रिज्म, राइट। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म में करना क्या, पहले वो समझो। हमको थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन सबको पालना में ऑलरेडी हमने पहले किया भी एंगल ऑफ डेविएशन। अगर प्रिज्म फॉर्मुला पढ़ा रहेगा तो तुमको याद होगा प्रिज्म फॉर्मुला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। तो वो जो डेल्टा आता है ना, डेल्टा, वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो वैसे ही कुछ एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हमको निकालना है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे। देखो पहले बता दूं कि थिन प्रिज्म क्या है। एक ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा होता है उसको हम बोलते हैं थिन प्रिज्म, राइट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर ए का वैल्यू बहुत स्मॉल है तो वो प्रिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, थिन प्रिज्म, राइट। पॉइंट पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। अ प्रिज्म हैविंग वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल। स्मॉल रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग एंगल मीन्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है ए। ए ना, ए कोई तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, राइट। सो अ प्रिज्म हैविंग वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल, दैट मींस ए का वैल्यू अगर बहुत छोटा है इज कॉल्ड एज थिन प्रिज्म, सिंपल, राइट। अगर ए का वैल्यू छोटा तो प्रिज्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थिन प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रिज्म थिन है तो ए का वैल्यू छोटा होगा, राइट। अगर ए का वैल्यू वेरी स्मॉल मींस छोटा है, देखो इतना समझो, अगर जो आपका प्रिज्म है उसमें रिफ्रैक्टिंग एंगल छोटा हो जाता है तो हर एक पैरामीटर आपको स्मॉल मिलेगा, जैसे कि डेल्टा एम, राइट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं हम इसको, राइट। तो ये भी स्मॉल हो जाएगा, सिंपल है ना। अगर रिफ्रैक्टिंग, जो प्रिज्म देखा रहेगा ना, प्रिज्म में ऊपर होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, अगर वही छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी एकदम स्मॉल हो जाता है, राइट। और इसके लिए हमने मैंने एम लिखा, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन, ऐसा। तो बोलने का मतलब ये ऐसा है कि थिन प्रिज्म मतलब क्या, एक ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत स्मॉल है, मींस ए का वैल्यू स्मॉल। और अगर सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, अगर ए का वैल्यू स्मॉल तो डेल्टा का वैल्यू भी स्मॉल। डेल्टा मींस एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपल पॉइंट है, डिफिकल्ट नहीं। अच्छा, हमको ऑलरेडी पहले से मालूम है दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसा है अगर जिसमें एंगल स्मॉल होता है वही उसका आंसर होता है। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन और दूसरा है टैन। टैन बहुत बार यूज किया हम लोग ने, याद है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में टैन ही यूज किया। साइन मोस्टली यूज किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिज्म फॉर्मुला देखो, सुनो क्या प्रिज्म फॉर्मुला, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए, साइन ही दिखाई दे रहा है ना, तो मैं साइन यूज करूंगा, सिंपल है, टैन का जरूरत नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो बोलने का सिंपल सा मतलब है, अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन ऑफ थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा, जैसे हमने टैन में पढ़ा था, सेम वैसे देखो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियन देन साइन ऑफ थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा। ये हमको ऑलरेडी मालूम। तीन पॉइंट एक बार फटाफट रिकैप कराता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि थिन प्रिज्म का मतलब क्या है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है तो प्रिज्म को हम बोलेंगे थिन प्रिज्म, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर ए का वैल्यू स्मॉल है, ए मींस रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू स्मॉल है, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी स्मॉल होगा, डेल्टा, डेल्टा मिनिमम, राइट, सिंपल, डेल्टा मिनिमम भी डेल्टा रहेगा, समझ लो ऐसा। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल आ रहा है, ये तो बेसिक मैथ्स, राइट, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, रेडियन सबको पता है, मैंने एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ाया आपको रेडियन, राइट। तो अगर थीटा को मैंने रेडियन में एक्सप्रेस किया है तो साइन थीटा को मैं अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ, क्लियर, सिंपल, ओके। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स। याद करो प्रिज्म फॉर्मूला, राइट, प्रिज्म फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला अभी मैंने बोला भी और एक बार मैं फटाफट लिख के बता देता हूँ। प्रिज्म फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू द होल अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, राइट, प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम, सिंपल, ओके। मैंने अभी क्या बताया, साइन थीटा नहीं लिखने का, थीटा लिखने का, राइट। तो साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू लिखूँ क्या, नहीं, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। कैसे, सुनो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। साइन के साथ अगर थीटा है तो तुमको साइन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट थीटा लिखो, मैं ये बोल रहा है, मतलब इन शॉर्ट साइन लिखने की जरूरत नहीं है। चलो साइन हटाओ यहां से, देखते हैं जैसे साइन हटता है तो क्या आता है, साइन हटा दो बस, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू द होल अपॉन ए बाई टू, दिस टू एंड दिस टू विल गेट कैंसिल, सिंपल। क्या बच रहा है, देखो म्यू विल बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय ए, क्लियर है, सिंपल समझ में आ रहा है। अब ए को यहां भेज दूं मैं म्यू के साथ, सो विल गेट ए इंटू म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, समझ में आ रहा है क्या किया है, अरे मैथ्स कर रहा हूं मैं, सिंपल सा काम क्या है, पहले सुनो,
डेविएशन निकालना है। डेविएशन मींस क्या? डेल्टा, कुछ भी करो डेल्टा का आंसर निकालो, ये तो काम है। चलो अगर मुझे डेल्टा को सेपरेट करना है तो मुझे ए को यहां से हटाना पड़ेगा, तो मैं ए को यहां भेज देता हूं। तो ऑलरेडी ए इंटू म्यू है, ये प्लस वाला ए यहां पे आ गया, माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा एम चलेगा, राइट। लेकिन हमको डेल्टा एम चाहिए, मींस डेल्टा, एक्चुअल में मैंने पहले बता दिया है, मैं लास्ट में आके मैं डेल्टा एम को डेल्टा लिखने वाला हूं, क्योंकि मिनिमम डेविएशन ये केस में ऑब्वियस है, प्रिज्म ही थिन है तो मिनिमम ही डेविएशन आने वाला है, तो डेल्टा हम नहीं लिखने वाले, हम लोग डेल्टा लिखने वाला, राइट। तो पहले तो मैं इसको ऐसा फ्लिप कर देता हूं, देखो क्या मिलेगा। डेल्टा एम मींस उल्टा कर दिया, साइन वाइन कुछ नहीं चेंज होता है इसमें, जैसे मैं उल्टा करूंगा डेल्टा एम का वैल्यू क्या होगा, ए इंटू म्यू माइनस ए, क्लियर है, सिंपल। डेल्टा एम नहीं लिखना है, क्या लिखना है डेल्टा, तो मैं डेल्टा लिखता हूं चलेगा, इज इक्वल टू, देखो दोनों में कुछ तो कॉमन है, ए मैथ्स है, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए कॉमन है, तो ए को कॉमन लेते हैं, राइट। So if we are taking A as common, we will get mu minus 1, clear? यही तो हमारा फॉर्मूला है, बन गया फॉर्मूला, एकदम सिंपल, राइट। तो मैंने किया क्या, मैंने थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दिया, और देखो थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, A इंटू म्यू माइनस 1, राइट है। अब जरा सुनो, A को क्या बोलते हैं, A को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, ये म्यू माइनस 1 का एक नाम है, राइट। नीचे लिखा देखो, म्यू माइनस 1 को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिविटी ऑफ प्रिज्म, समझा, म्यू अलग है, म्यू माइनस 1 अलग पैरामीटर है, म्यू माइनस 1 पैरामीटर का एक नाम है, वो नाम है रिफ्रैक्टिविटी ऑफ प्रिज्म, ओके, सिंपल कंप्लीट, राइट। तो थिन प्रिज्म हमने कंप्लीट कर लिया, चलो लेट्स स्टार्ट विथ एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, बहुत ईजी है, देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट मैंने सिखाया तुमको, राइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमने देखा है एक प्रिज्म होता है, राइट। प्रिज्म के जो सबसे, जब लाइट डिस्पर्स होता है, सबसे पहला लाइट रहता है रेड कलर, और सबसे जो नीचे लाइट रहता है वो वायलेट। ये दोनों लाइट को हम बोलेंगे एक्सट्रीम कलर्स, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम का मतलब समझो, एक्सट्रीम एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है एंड, एंड ना, तो वो जो स्पेक्ट्रम आया था, स्पेक्ट्रम के एंड में कौन है, एक एंड में रेड है और एक एंड में वायलेट है, समझाना, सिंपल है। तो एक्सट्रीम कलर्स के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, सिंपल, राइट। द एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स इन डिस्पर्स्ड रे ऑफ लाइट, वो जो डिस्पर्स्ड रे ऑफ लाइट था स्पेक्ट्रम, उसमें जो दो कलर एंड वाले कलर से उनके बीच में जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन, सिंपल, एकदम इजी, राइट। एंगुलर डिस्पर्शन इज द एंगुलर सेपरेशन, ये क्या एक टाइप का एंगल है ना, एंगल मींस एंगल सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर डिस्पर्शन इज द एंगुलर सेपरेशन, मैंने पहले बताया किसके बीच में, एक्सट्रीम कलर्स के बीच में, राइट, बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स। अच्छा किधर, लेकिन इन डिस्पर्स्ड रे ऑफ लाइट, या फिर डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट बोलता हूं, इन डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट, राइट, इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन, सिंपल, समझा क्या है, अरे बहुत ईजी है, एंगुलर डिस्पर्शन मतलब एंगुलर सेपरेशन, क्लियर, किसके बीच में, एक्सट्रीम कलर के बीच में, कहा, इन डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट, सिंपल, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जरा ध्यान दो, एंगुलर डिस्पर्शन है क्या, इसका मैं डिफाइन बोल रहा हूं, इट इज द एंगुलर सेपरेशन, अब बोल सकते हो एंगुलर जो है ना, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर ऑफ लाइट इन अ डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन, सिंपल, समझना, एकदम इजी है, पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब अभी समझो, अभी याद करने का ट्राई नहीं मत करो, अभी जस्ट मतलब समझो, मतलब है एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब है एंगल किसके बीच में, एक्सट्रीम कलर रेड और वायलेट कलर के बीच में, राइट। और ये रेड और वायलेट कलर है कहां से आया, डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट से आया है, सिंपल लॉजिक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हमको ऑलरेडी मालूम है कि देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सट्रीम कलर्स बताया, लेकिन मैंने तुमको समझाते हुए पहले बता दिया कि हमारे लिए एक्सट्रीम कलर कौन कौन होता है, रेड और वायलेट, क्योंकि वाइट लाइट जब डिस्पर्स होगा उसमें सेवन कलर में सबसे ऊपर आता है रेड और सबसे नीचे आता है वायलेट, फॉर वाइट लाइट रेड एंड वायलेट आर द एक्सट्रीम कलर्स, ये हमको पहले से मालूम है, क्लियर है। अब समझो अब करना है क्या, सुनो, चलो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला बनाते हैं फिर, राइट, एंगुलर डिस्पर्शन का फटाफट फॉर्मूला बना के लेते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो एंगुलर डिस्पर्शन है क्या, एंगुलर डिस्पर्शन इज द सेपरेशन, करेक्ट ना, सेपरेशन किसके बीच में, बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, एक्सट्रीम कलर्स मीन्स क्या, एंड वाले कलर, राइट, एंड वाला कलर जो होता है वो कितने एंगल पे बेंड होता है उसको तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मालूम है ना सबको, जो भी रे ऑफ लाइट पर्टिकुलर एंगल पे बेंड होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, राइट। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, रेड और वायलेट में से ज्यादा बेंड कौन होता है, वायलेट, तो सिंपल है, मैं पहले लिखूंगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, रीजन है, अरे बड़ा माइनस छोटा करते, छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा तुम्हारा,
मालूम है ना, इतना मैथ्स तो आता रहेगा सबको। ज्यादा एंगल ऑफ डिविजन किसका होता है? वॉयलेट कलर का। और कम एंगल ऑफ डिविजन किसका होता है? रेड कलर का। ऑलरेडी हमको डेल्टा का फॉर्मूला यहां से मालूम है, राइट ना? डेल्टा का फॉर्मूला याद कर लो अभी, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, देख लो सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी वी नो, सिंस ऑलरेडी वी नो डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, क्लियर है? लेकिन मुझे डेल्टा थोड़ी चाहिए, मुझे डेल्टा वी चाहिए और डेल्टा आर चाहिए, राइट है ना? चलो डेल्टा वी और डेल्टा आर निकाल के देखते हैं। पहले मैं निकालता हूँ डेल्टा वी, फिर मैं निकालूंगा यहाँ पे डेल्टा आर, ट्राई करते हैं। चलो देखो, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी क्या होगा? देखो डेल्टा जो है ना वो डिपेंड करता है किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, कि मेटल का रिफ्रैक्ट जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना ज्यादा डेविएशन होता है, राइट? वॉयलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होता है इसलिए वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा रहेगा। तो डेल्टा वी का आंसर क्या आएगा? ए इंटू म्यू वी माइनस वन। अब मैंने क्या किया है, बहुत ईजी है, मैंने डेल्टा के सफिक्स में वी लिखा तो म्यू के सफिक्स में वी लिख दिया, क्योंकि मेरे को वॉयलेट कलर निकालना है। यही सेम लॉजिक लगा के मैं रेड कलर का भी निकालता हूँ। देखो सिंपल आर आर डालेंगे और क्या, आर आर सिंपल, राइट? बोलो क्या आएगा? डेल्टा आर इक्वल टू ए इंटू म्यू आर माइनस वन, क्लियर है? दोनों का आंसर मिल गया। चलो दोनों का आंसर एक बार मिल गया तो एंगुलर डिस्पर्शन निकालते हैं फटाफट, राइट? तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हमारा एंगुलर सेपरेशन है ना, एंगुलर डिस्पर्शन मीन्स एंगुलर सेपरेशन की बात है, राइट? तो अगर मुझे एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है तो मुझे किसका आंसर निकालना पड़ेगा? मुझे आंसर निकालना पड़ेगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जिसका दोनों का आंसर मेरे पास पहले से रेडी है। बताओ डेल्टा वी का आंसर, डेल्टा वी क्या है? ए इंटू म्यू वी माइनस वन, माइनस ना माइनस, ये माइनस है। डेल्टा आर, समझ आ रहा है सबको? डेल्टा आर का आंसर क्या है? ए इंटू म्यू आर माइनस वन, क्लियर? अब जस्ट अंदर फटाफट ए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो चलो, अगर मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई करूँ आई विल गेट ए इंटू म्यू वी माइनस ए, ब्रैकेट अभी भी है, राइट? सिंपल कर रहे हैं, माइनस ये ए को ही मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू म्यू आर माइनस वन, राइट है? अब माइनस साइन अंदर ऑपरेट कर देते हो, ब्रैकेट ओपन कर देते ए इंटू यहाँ पे ए इंटू म्यू आर इंटू ए माइनस ए ना, राइट? आई बराबर है, ए को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू म्यू वी ए इंटू वन, राइट? अभी राइट है, ए को इधर मल्टीप्लाई किया, हाँ अभी तक मैंने माइनस साइन ऑपरेट नहीं किया था, अभी करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो विल गेट ए इंटू म्यू वी माइनस ए, माइनस जा रहा है अंदर ना, माइनस इसको लग जाएगा तो बन जाएगा माइनस ए इंटू म्यू आर, माइनस माइनस इज प्लस, राइट? प्लस ऑफ ए, प्लस ए एंड माइनस ए विल गेट कैंसिल, सिंपल। क्या बचा है हमारे पास? ए इंटू म्यू वी माइनस ए इंटू म्यू आर, क्लियर है? स्पीड मैच होना चाहिए, एकदम सिंपल चीज़ है। कॉमन दिख रहा है कुछ तो, ए बाहर लेते हैं। सो इफ वी आर टेकिंग ए एज कॉमन वी विल गेट म्यू वी माइनस म्यू आर। अच्छा ये किसका आंसर है? ये आंसर किसका है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा, इसको ही तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। सो बहुत इजीली हमने निकाल दिया एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला, राइट? एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला सबको याद रहेगा, बहुत इजी है। एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, सिंपल ना एकदम। अच्छा अगर ध्यान से देखेंगे ना तो क्योंकि एंगल को एंगल से माइनस करेंगे तो एंगल आंसर आएगा। एंगल का दो यूनिट है हमारे पास, डिग्री या फिर रेडियन। टेंथ तक डिग्री में पढ़ा था, इलेवेंथ में तुमको रेडियन भी मैंने सिखाया एंगल एंड एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर में, राइट? तो ऐसा यूनिट क्या रहेगा? डिग्री और रेडियन। अच्छा आगे और देखते हैं, ये जो एंगुलर डिस्पर्शन है ये डिपेंड किस पे करता है? एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड करता है ए पे। ए को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, सिंपल है ना? फॉर्मूले से मालूम पड़ता है थियरी। अच्छा एंगुलर डिस्पर्शन और किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिविटी पे नहीं डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिविटी तो म्यू माइनस वन है, इधर कहाँ दिख रहा है तुमको म्यू माइनस वन? नहीं ना, तो डिपेंड किस पे करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट ना? लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। वॉयलेट कलर का अलग मटेरियल के लिए रहेगा और रेड कलर के लिए अलग होता है, राइट? तो इसके लिए हम बोलेंगे म्यू वी और म्यू आर को स्पेशली क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ, पॉइंट नंबर 5 ध्यान दो, बहुत ईजी है। फॉर्मूले से मालूम पड़ता है थियरी, थियरी देखने की जरूरत ही नहीं है अच्छे में। फॉर्मूले में देखो, एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म।
सिंपल एकदम, राइट, कुछ हार्ड नहीं। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया एंगुलर डिस्पर्शन, एकदम सिंपल। देखो क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म मीन्स एक ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्ट एंगल स्मॉल है, रिफ्रैक्ट एंगल स्मॉल है तो डेल्टा भी स्मॉल है, राइट। फिर उससे हमने प्रॉपरली अपना आंसर निकाला, डेल्टा का आंसर मिला ए इंटू म्यू माइनस वन, याद कर लो, राइट। फिर हमने एंगुलर डिस्पर्शन भी पढ़ा, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, क्लियर ना, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि सब कनेक्टेड, देखो इससे ही मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, अब इससे मैं आगे का फॉर्मूला डिराइव करूँ, इसके लिए मैं तुमको ये दो याद करने की बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर दोनों याद रहेगा बहुत इजीली हम लोग आगे वाला सॉल्व कर लेंगे, राइट। पहले मैं तुमको सेकंड, देखो सेकंड पॉइंट जो है इसको मैं सब आपको थर्ड पॉइंट की बात बताऊंगा, क्योंकि रीजन है उसके पीछे। पहला पॉइंट बता देता हूँ क्या है, डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, किससे डिनोट करते हैं, वो डब्ल्यू नहीं है, उसको बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलते हैं ओमेगा, राइट। ये ओमेगा दिख रहा है ना कैसे बनाया जाता है, देखो देख लो एक बार कैसे बनता है ओमेगा, ऐसा बनाते हैं, राइट। थोड़ा सा प्रॉपर डब्ल्यू जैसा दिखना नहीं चाहिए, वो जो डब्ल्यू का जो एंड से उसको खाली थोड़ा सा बेंड कर दो तो ओमेगा जैसे प्रॉपरली दिखाई देगा, ऐसा कुछ, समझा, ये ओमेगा है। तो ओमेगा मीन्स डिस्पर्सिव पावर। अब डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या है, ये कोई भी प्रिज्म का एबिलिटी है, राइट। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स बीम ऑफ लाइट, मीन्स एक प्रिज्म के पास कितना एबिलिटी है कि वो लाइट को डिस्पर्स कर सकता है, कम एबिलिटी है तो डिस्पर्सिव पावर कम रहेगा, ज्यादा एबिलिटी है तो डिस्पर्सिव पावर ज्यादा रहेगा। मतलब सिंपल वे में डिस्पर्सिव पावर करता क्या है, ये आपको बताता है कि प्रिज्म का एबिलिटी कितना है। अच्छा क्या चीज के लिए एबिलिटी, डिस्पर्स करने के लिए एबिलिटी, मीन्स डिस्पर्शन करने के लिए एबिलिटी, सिंपल पढ़ो, डिस्पर्सिव पावर इज द एबिलिटी, मैंने पहले बता दिया किसका, प्रिज्म का, राइट। डिस्पर्सिव पावर इज द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म, क्या करने के लिए, टू डिस्पर्स अ बीम ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इसको ही तो बोलते हैं डिस्पर्शन, मालूम है ना, आना चाहिए। तो सिंपल है डिस्पर्सिव पावर क्या है, ये एक एबिलिटी है, किसका एबिलिटी है, प्रिज्म का एबिलिटी, क्या करने के लिए एबिलिटी है, टू डिस्पर्स द बीम ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, डिनोटेड बाय ओमेगा, सिंपल। मैंने बताया था, मैं आपको सेकंड पॉइंट पहले नहीं बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा आपको थर्ड पॉइंट, राइट। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बताऊंगा। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो, राइट, इज डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स। अरे क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा ना अभी तो पढ़ा, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर या फिर एंगुलर डिस्पर्शन की बात है, राइट। डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स टू द मीन्स अपॉन टू द एंगुलर एंगल ऑफ डेविएशन या फिर हाँ एंगल ऑफ डेविएशन बोलो, टू द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मीन कलर, मीन मीन्स एवरेज कलर। आप देखोगे जो रेनबो होता है, रेनबो, रेनबो का जो एवरेज कलर मिलेगा ना आपको वो होता है येलो, एवरेज मीन्स ऑलमोस्ट मिडल में। आप बोलोगे सर मिडल में तो कुछ अलग कलर आता है, लेकिन वो जो कलर्स वो होता है ना मिडल के, मिडल में एग्जैक्ट कोई एक कलर नहीं आता, राइट, वहाँ पे कलर मिक्स होके बन जाता है येलो कलर। अगर आपको कोई पूछे कि रेनबो का जो मिडल वाला कलर है, मिडल मीन्स एवरेज बोल सकते हो, मीन कलर है वो बोलोगे, तो उसका आंसर होता है येलो, राइट। येलो कलर इज द मीन कलर ऑफ रेनबो, इतना समझो, ओके। तो देखो मैंने फिर से क्या बताया एक बार फटाफट दिखा, क्योंकि ये समझा तो पॉइंट आ गया। डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन, ना इज डिफाइंड एज द एंगुलर सेपरेशन या फिर एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन द मीन कलर। ये चलो देखो एंगुलर डिस्पर्शन लिखो या फिर एंगुलर सेपरेशन लिखेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, राइट, क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी आपको एंगुलर सेपरेशन बताया है, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन, राइट। देख फिर से एक बार रिपीट फटाफट, क्या बोलते हैं ओमेगा को, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन कौन सा कलर, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कलर्स टू द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ मीन कलर, खत्म, समझा, जो मैंने बोला ना वही ऊपर लिखा है, देखो मैंने वो बनाया कहाँ से, ये फॉर्मूले से बनाया, अगर फॉर्मूला याद है अपने आप बन जाएगा, बहुत ईजी है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी डेल्टा आर डेल्टा वाई, सिंपल, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वही तो सेकंड पॉइंट है, देखो ना ये क्या बोलते हैं ओमेगा को, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या बनेंगे, एंगुलर सेपरेशन बोलो, एंगुलर सेपरेशन किसके, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स टू द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मीन कलर, तो वही तो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमको याद है, एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स द बीम ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स,
सिंपल, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ऑलरेडी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का अपने पास ऑलरेडी आंसर, देखो ये दिख रहा है, अरे आंसर है हमारे पास, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का एग्जैक्ट आंसर है। बोलो क्या आंसर है? इट इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर द होल अपॉन ए। डेल्टा वाई का आंसर निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से, यहाँ से डेल्टा वाई निकाल सकते, अरे यहाँ से अगर तुम लोग डेल्टा वी निकाल सकते, डेल्टा आर निकाल सकते, तो क्या ये फॉर्मूले से डेल्टा वाई नहीं निकाल सकते? बोलो ये फॉर्मूले से डेल्टा वाई का आंसर क्या आएगा? डेल्टा वाई क्या आएगा? ए इंटू म्यू, बोलो म्यू वाई माइनस वन, अरे सफिक्स में वाई डालना है, सफिक्स वॉयलेट चाहिए तो सफिक्स में वी डाला, रेड चाहिए तो सफिक्स में आर डाला, तो येलो चाहिए तो सफिक्स में वाई डाल दो ना, तो वही तो किया मैंने, बन गया फॉर्मूला। चलो फटाफट एक लास्ट, ये ए और ए कैंसिल होता है सिंपल, तो चलो फटाफट फॉर्मूला लिख देते हैं। दिस डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। क्लियर, एकदम सिंपल, खत्म, समझ में आया? सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर, समझ में आया? एकदम ईजी है। तो आई थिंक आपको 1, 2 और 3 समझ में आ गया पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट मैं उधर से देख के बताएगा, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग ने पहले यहाँ पे पढ़ा, याद है ये क्या बोलते हैं इसको हम? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन के फॉर्मूले में ए आया था, तो वो डिपेंड करता था रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म पे। इसके फॉर्मूले में ए आया क्या? नहीं, तो इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, समझा? हाँ, एंगुलर डिस्पर्शन के फॉर्मूले में म्यू वी और म्यू आर आया था, तो हमने क्या बोला उसको? इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, आया ना फॉर्मूले में? तो इधर भी आया, देखो म्यू वी आया है, म्यू आर आया है, म्यू वाई आया है, तो ये भी डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ठीक है, उसके आगे और बताओ, क्योंकि कलर अलग अलग रहेंगे तो बताना पड़ेगा। क्लियर है? जो मैंने बताया ना वही पॉइंट नंबर फोर, एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूं। देखो ध्यान दो, डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि ए आया ही नहीं है फॉर्मूले में, राइट? पढ़ो पॉइंट नंबर फोर, डिस्पर्सिव पावर जो है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्पर्सिव पावर, राइट? डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स, पहले बताना पड़ेगा डिपेंड, बाद में बताओ इंडिपेंडेंट, राइट? डिपेंड्स किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, पहले बताया मैंने, किस पे डिपेंडेंट नहीं है? ए पे डिपेंडेंट नहीं है। ए को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट? एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, सिंपल, राइट? अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर म्यू वी है, मीन्स देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा। ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी हुआ ना। तो अगर सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास कोई यूनिटी नहीं होता है, राइट? तो डिस्पर्सिव पावर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बात समझ में आई? जो डिस्पर्सिव पावर है ये क्या है? ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? रीजन तुम्हारे सामने है, जब न्यूमरेटर का फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर के फिजिकल क्वांटिटी से मैच होता है तो ऐसा ही होता है, यूनिट नहीं रहता है, राइट? और डायमेंशन भी नहीं रहता है, समझा? एक बार क्विक रिकैप मारते हैं, देखते हैं फटाफट पॉइंट नंबर पॉइंट फाइव तक हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिस्पर्सिव पावर है क्या, ये क्या है? ये एबिलिटी है। किसका एबिलिटी? प्रिज्म का एबिलिटी। क्या करने का एबिलिटी? टू डिस्पर्स द बीम ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताया कि डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है, बहुत फॉर्मूला से हमने एक पॉइंट बनाया, ये एक रेशियो है किसका? एंगुलर सेपरेशन, कौन सा कलर? एक्सट्रीम कलर। और नीचे कौन सा कलर आता है? मीन कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर्मूला फटाफट सॉल्व करो, आंसर निकाल दो, आंसर याद कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। क्लियर? फिर हमने देखा कि इसके फॉर्मूले में ए तो आता ही नहीं है, तो वो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म पे इनडिपेंडेंट है, लेकिन म्यू वी म्यू आर और म्यू वाई आता है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी है न्यूमरेटर डिनोमेटर में, तो यूनिटलेस और डायमेंशन भी लेस, समझा? एकदम सिंपल। चलो फाइव पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर भी खत्म कर दिया, राइट? एक लास्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? बहुत ऑलरेडी मैंने आपको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिखा दिया है, जस्ट एक छोटा सा थियरी बाकी था, तो मैंने बोला चलो स्टार्ट कर दिया, थियरी भी देख लो क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? ये देखा जाए तो दो लेंस यूज करता है, हमको पहले से वाला दो लेंस रहता है, दोनों का दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस रहता है, पहले से पढ़ा है, राइट? ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा रहता है और आईपीएस लेंस बड़ा रहता है, याद रहेगा ना आपको? पढ़ाया मैंने मैग्नीफाइंग पावर आपको, सिंपल। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें दो लेंस होना ही चाहिए, एसेंशियली मींस होना ही चाहिए, जरूरत है, राइट? दो लेंस, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, ऑब्जेक्टिव छोटा आईपीस बड़ा,
राइट है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब में फिट करते हैं, क्योंकि जब तुमने देखा रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपने 10th में नीचे स्लाइड्स वगैरह रख के देखा रहेगा, तो वहां पे एक हैंडल होता है, बीच में एक ट्यूब होता है, ट्यूब ऐसा राइट, जिसपे आईपीस लगा रहता है और जिसपे वो लगा रहता है आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ट्यूब के अंदर दोनों लेंस को फिट करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स करते हैं राइट, सूटेबल लेंथ होता है वहां पे, उस पे ही फिक्स करते हैं हम उसको। ऐसा पॉइंट देखते हैं चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एसेंशियली यूजेस कितना लेंस, 2 कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है राइट। आगे ऑफ, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो रहेगा, कुछ तो सूटेबल यूज करना पड़ेगा ना, ऐसा कि नहीं कुछ भी यूज कर सकते हैं, सूटेबल यूज करना पड़ेगा राइट। फिर से सुनो, कॉन्वेक्स लेंस एसेंशियली यूजेस, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एसेंशियली यूजेस 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। कहां फिट कर दिया है, एक ट्यूब के अंदर फिट किया राइट, फिटेड इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब राइट। कितने डिस्टेंस पे फिक्स किया रहेगा, एक कोई पर्टिकुलर सूटेबल डिस्टेंस पे फिक्स किया रहेगा राइट, विद सम एडजस्टमेंट पॉसिबल फॉर इट्स लेंथ, कुछ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट किया है उसके लेंथ के हिसाब से कितना बड़ा बनना है। ऐसा तो नहीं कि 1 meter का आपका बना देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझा है ना। ओके तो पॉइंट बहुत ईजी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एसेंशियली यूजेस 2 कॉन्वेक्स लेंस राइट, 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है, कैसा होना चाहिए, ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, फिटेड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब राइट। और ऐसा फिक्स किया है कि विथ सम एडजस्टमेंट सूटेबल फॉर इट्स लेंथ, बोल सकते हैं पॉसिबल फॉर इट्स लेंथ, ऐसा समझ में आया, उसका लेंथ के हिसाब से, ऐसा नहीं कि 1 meter का थोड़ा, अगर 1 meter कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहेगा तो तुमको वहां पे सीढ़ी वगैरह लाके ऊपर से देखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, दिखना चाहिए ना प्रॉपरली, तो लेंथ भी सूटेबल रखो, ज्यादा बड़ा लेंथ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके आगे बढ़ते हैं, हाँ ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम क्या देख सकते हैं राइट, कितने साइज का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आप लोग, ऑलरेडी बोर्ड पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10^-1 mm, mm मतलब मिलीमीटर, समझा, 10^-1 mm से लेकर 10^-3 mm तक के ऑब्जेक्ट को बहुत ईजिली देखा जा सकता है यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। याद रखो पॉइंट बहुत ईजी है, 10^-1 mm से लेके 10^-3 mm राइट। तो पॉइंट बहुत इजी, इट इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द साइज ऑफ अराउंड कितना है बताओ, 10^-1 mm टू 10^-3 mm, सिंपल एकदम याद है, एकदम सिंपल, 10^-1 10^-3 mm तो याद रहेगा मिलीमीटर, सिंपल, दो पॉइंट याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस राइट, इसका फोकल लेंथ क्या रहता है और अपर्चर वगैरह बताऊंगा मैं यहाँ पे, और मतलब सिंपल हमको ऑलरेडी मालूम है कि 2 लेंस रहता है, एक लेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक हमारे आईज के सामने रहता है मीन्स ऑब्जर्वर के आई को ब्लॉक करता है, वो लेंस को हम लोग बोलते हैं आई लेंस या फिर आईपीस लेंस, सिंपल ना, उसके बारे में ही है। देखो तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमको मालूम है वो छोटा है कि बड़ा है, छोटा है राइट। द स्मॉलर लेंसेस, जो स्मॉलर लेंस होता है उसको बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव लेंस, स्मॉलर लेंस का एक अपर्चर रहेगा, अपर्चर छोटा है, देखो अपर्चर कितना है, अराउंड 4 mm से लेके कहां तक है 6 है, ये अलग है, ये अलग है, इतने साइज का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ये अपर्चर का साइज है, समझ में आ रहा है, अपर्चर रहता है ना, वो आपने लेंस देखा रहेगा उसमें छोटा सा प्रॉपरली दिखता है, कितना पार्ट दिखाई दे सकता है वो अपर्चर राइट। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस एमसीक्यू में आता है ऐसा राइट, एमसीक्यू या फिर वाइवा ओरल में पूछेंगे तुमको व्हाट इज द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो तुमको बोलने आना चाहिए अराउंड 4 mm to 6 mm, याद रहेगा किसका अपर्चर है, ऑब्जेक्टिव लेंस, हाँ क्योंकि वो छोटा रहता है बराबर ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कितना होता है, अराउंड 4 mm to 6 mm, कितना साइज का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, 10^-1 mm to 10^-3 mm, सिंपल है। चलो ये पॉइंट कंप्लीट कर दूं, द स्मॉलर लेंस राइट, द स्मॉलर लेंस अपर्चर देखो कितना है, अराउंड 4 mm to 6 mm अपर्चर, फेसिंग द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है राइट ना, फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। और हमको ऑलरेडी मालूम है ऑब्जर्वर के आई को जो ब्लॉक करता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो हिस हर कुछ भी हो सकता है ना, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है राइट, ऑब्जर्वर का आईज को जो ब्लॉक करता है लेंस, वो लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आई लेंस या फिर आईपीस लेंस बोलो चलता है राइट। अदर लेंस विथ विच ऑब्जर्वर जैम्स, वो जैम मतलब ब्लॉक कर देता है ना आपको, अदर लेंस विथ विच ऑब्जर्वर जैम्स हिज हर आईज, हिज मीन्स लड़का भी हो सकता है, हर लड़की भी हो सकती है राइट, हिज हर आईज इज लिटिल लार्जर, ना बड़ा होता है, अरे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा रहता है, मैग्नीफाइंग पावर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे पढ़े हैं ऑलरेडी राइट, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आईपीएस लेंस थोड़ा बड़ा रहता है राइट, इज लिटिल लार्जर कॉल्ड कौन सा लेंस, आई लेंस। चलो एक बार क्विक रिकैप मारते हैं, चार ही तो पॉइंट है, पहले हमने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एसेंशियली 2 कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए राइट ना, एक सूटेबल फोकल लेंथ होना चाहिए, उसको हम लोग कहाँ फिट करते हैं प्रॉपर, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में, और ऐसा फिट करते हैं कि वो प्रॉपर लेंथ होना चाहिए राइट, वहां पे बड़ा ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए ऐसा। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि कितना साइज का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, 10^-1 mm से लेके 10^-3
3 mm तक। फिर हम देखा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा रहता है, तो उसका अपर्चर भी छोटा है। कितना छोटा अपर्चर है? अराउंड 4 mm to 6 mm। लास्ट में देखा एक ऐसा लेंस जो ऑब्जर्वर का आईज को जैम करता है, वही सर कुछ भी हो सकता है, राइट। वो लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आई लेंस, राइट। समझ आ गया, एकदम इजी था राइट लेक्चर। चलो फटाफट एक क्विक रिकैप मारते हैं, देखते क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा डेविएशन ड्यू टू थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का डेविएशन का हमको आंसर मालूम है, राइट। डेल्टा इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस वन, ए इंटू म्यू माइनस वन, राइट। वेयर ए इज द रिफ्रैक्टिव एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू समझ में आता है आपको, राइट। म्यू माइनस वन को भी हमने एक नाम दिया, क्या नाम है? रिफ्रैक्टिविटी ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, रिफ्रैक्टिविटी ऑफ प्रिज्म, ओके। फिर हमने पढ़ा एंगुलर डिस्पर्शन, दो एक्सट्रीम कलर के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है उसको ही बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। उसका फॉर्मुला भी हमको याद है, देखो फॉर्मुला कहाँ गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। बहुत ईजी है, वी आर तो वी आर, सिंपल शॉर्टकट समझो। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्पर्सिव पावर, राइट। यही फॉर्मूला लेने का, लेकिन इसको डिवाइड करने का मीन कलर के डेविएशन से। देखो डेल्टा वाई से मैंने डिवाइड किया, उसका फॉर्मूला भी हमको याद है, बोलो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, सिंपल है, राइट। फिर हमने देखा कि ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, राइट। ए पे डिपेंड नहीं करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। फिर अभी तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देख लिया, ओके। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया, ओके। थैंक यू।